Hello and welcome to my YouTube channel. So in this video we will be discussing about the document verification of candidates for class 4th post under the provision of J&K. जो अभी अभी जो class 4th की जो बाकी students की जो list थी जो release हुई थी तो उसकी concern में ये video है. तो इसमें बहुत सारे students का ऐसा मानना था कि उनका नाम list में नहीं है, हालांकि उनके जो मार्क्स हैं किसी के 40 प्लस हैं, किसी के मतलब अच्छे खासे मार्क्स हैं, लेकिन उनसे कम वाले बच्चों के मार्क्स यहाँ पे हैं. तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि इसका जो अगर हम देखें यहाँ पे जितने भी बच्चे लिए गए हैं इसमें से बड़ी सारी जगहों पे तो ऐसा है कि कोई 9 पे इन है, कोई 10 पे इन है. तो जिन जिन का इसमें नाम नहीं आया है तो उनके लिए पहले तो हो सकता है कि अगर कोई टेक्निकल एरर है तो दे शुड एक्चुअली वेट फॉर 2-3 डेज, नॉट मोर देन 2-3 डेज. 2-3 दिन तक वो वेट कर सकते हैं. 2-3 दिन वेट करने के बाद वो अगर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आती है तो व्हाट दे कैन डू, दे कैन गो टू दी सेक्रेटरीट जो JKSSB का जो ऑफिस है वहाँ पे वो अपनी ग्रीवेंसेस रख सकते हैं. तो ग्रीवेंसेस रखने के बाद अगर आप लेट सपोज़ अगर आपकी पहली प्रेफरेंस डिवीज़न थी या पहली प्रेफरेंस आपकी डिस्ट्रिक्ट थी, तो अगर आपकी डिवीज़न में पहली प्रेफरेंस थी और डिवीज़न के कट ऑफ से अगर आपके ऊपर मार्क्स हैं तो देन यू कैन एक्चुअली फाइल इन द ग्रीवेंसेज रिड्रेसल जो मैकेनिज्म होगा वहाँ पे जो भी, तो यू कैन फाइल कंप्लेंट, मतलब वहाँ पे अपने ग्रीवेंसेज रेज कर सकते हैं. अगर आपका डिस्ट्रिक्ट में है और डिस्ट्रिक्ट के ऊपर आपका वो कट ऑफ जा रहा है तो आप वहाँ पे जा सकते हैं. तो होपिंगली आपका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव ही आएगा, मतलब अगर आपका नाम नहीं है, क्योंकि ये एक का केस नहीं बहुत सारे बच्चों का केस है. ठीक है, तो अगर आपका जिस भी प्रेफरेंस है अपनी प्रेफरेंस पहले चेक कर लो कि अगर आपकी प्रेफरेंस डिस्ट्रिक्ट में है, अगर आपकी प्रेफरेंस डिवीज़न में है और डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट का जो कट ऑफ है उस कट ऑफ से उस थ्रेशोल्ड से अगर आप ऊपर फॉल करते तो डेफिनेटली आपका नाम जो इसमें है आना चाहिए. तो आप वेट कीजिए, अगर वेट नहीं तो आप जो है इसमें ग्रीवेंसेज रिड्रेसल जो JKSSB का वहाँ पे मेल करने से कुछ नहीं होगा. वन थिंग आई शुड मेक इट वेरी क्लियर दैट मेल करने से कुछ नहीं होगा, आपको वहाँ फिज़िकली जाना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि ये एक का इशू नहीं है, बहुत सारे बच्चों का इशू है. तो जैसे आप फिज़िकली वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे अपनी ग्रीवेंसेस रखेंगे तो मुझे लगता है ये लिस्ट जो है चेंज होगी. और दिस इज़ एक्चुअली सब्जेक्टेड टू चेंज, ये होगी चेंज, क्योंकि इसमें कोई ना कोई क्लैरिफिकेशन तो मिलेगी कि इस कारण से नाम नहीं है. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मुझे यही बताना था कि एक ही जो इसका सॉलिड स्टेट मतलब सॉलिड सॉल्यूशन निकल के आता है कि यू हैव टू गो फिज़िकली, यू हैव टू विजिट वर्चुअली एट द JKSSB ऑफिस और वहाँ पर अपनी ग्रीवेंसेज रखनी है, चाहे एप्लीकेशन फॉर्म में जैसे कुछ आपको बाकी बच्चे वहाँ पर मिलेंगे. तो दिस इज़ द प्रोसीजर दैट यू पीपल आर सपोज टू अडॉप्ट. अगर कोई इसमें मतलब आपका नाम क्यों नहीं है, क्या रीज़न है क्या नहीं, तो आप ऐसा कर सकते हैं. ऑनलाइन मेल ड्रॉप करने पे बिलीव नहीं करना, आप फिज़िकली विज़िट करो और मुझे लगता है जिन जिन का जो डिज़र्विंग है उनका नाम आ जाएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जय हिंद, जय भारत.